ईशान किशन ने बोला बीसीसीआई को झूठ। ईशान किशन ने मांगा मेंटल हेल्थ के लिए ब्रेक, लेकिन पकड़ा गया दुबई में करते डांस ब्रेक। झूठ बोल के ईशान गया देश के बाहर, सॉरी बोल के किशन को किया टीम से बाहर। इंडिया के इस शानदार बैटर के बारे में आपने ये सारी ड्रामेटिक न्यूज तो सुनी होगी, बट एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ कि सिलेक्टर्स ने किशन को इंग्लैंड टेस्ट स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया। 2023 से ईशान ऑलमोस्ट सभी टूर्स का पार्ट था, वो स्क्वाड में तो था लेकिन गिल के होते हुए उसे प्लेइंग 11 में ज्यादा चांसेस नहीं मिले, लेकिन जब ये अपॉर्चुनिटीज मिली ही परफॉर्मड क्वाइट डिसेंटली। अगस्त में विंडीज टूर पर ओडीआई में 3 कंसेक्यूटिव 50s मार के ही वॉन द प्लेयर ऑफ द सीरीज, एंड टेस्ट में भी उसने अच्छा स्टार्ट किया, लेकिन 2 T20 के बाद ही वॉज ड्रॉप्ड। फिर उसे एशिया कप में चांस मिला और मिडल ऑर्डर में ही परफॉर्म्ड क्वाइट वेल। ऑफ कोर्स पाकिस्तान के सामने वो काउंटर अटैकिंग इनिंग्स कौन भूल सकता है। इतने अच्छे परफॉर्मेंस के बाद उसे वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी इंक्लूड किया गया, बट वर्ल्ड कप में उसे ज्यादा चांसेस नहीं मिले क्योंकि गिल ओपनिंग कर रहा था और केएल कीपिंग। वर्ल्ड कप के बाद किशन इंडिया ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज का भी पार्ट था और फर्स्ट 3 मैचेस भी खेला और अच्छे से भी खेला। नंबर 3 पे खेलते हुए ही स्कोर 2 क्रूशियल 50s, लेकिन सीनियोरिटी कोटा ने किशन को फिर से वाटर बॉय बना दिया। 2023 में इंडिया ने ऑलमोस्ट 60 मैचेस खेले और उसमें से 20 मैचेस किशन बेंच पे था। एनीवेज, जब 30th November को साउथ अफ्रीका टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हुआ, इनिशियली किशन स्क्वाड में था। एवरीवन थॉट कि किशन एज अ कीपर खेलेगा और राहुल एज अ बैटर, लेकिन इंडियन सिलेक्शन में लास्ट मिनट चेंजेस का ड्रामा कांस्टेंट है। टेस्ट के एक वीक पहले बीसीसीआई ने अनाउंस किया कि ईशान किशन हैज आस्क्ड फॉर अ ब्रेक एंड ही वोंट बी अ पार्ट ऑफ द टेस्ट टीम। किशन ने बीसीसीआई को इन्फॉर्म किया कि ही इज मेंटली फटीग एंड ही इज ट्रैवलिंग कंटिन्यूअसली। इसके साथ साथ किशन ने बीसीसीआई को बताया कि ही वांट्स टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद हिज फैमिली एंड दैट्स व्हाई ही नीड्स अ ब्रेक। बीसीसीआई ने किशन को लीव ग्रांट की और साउथ अफ्रीका टेस्ट में राहुल ने कीपिंग करी। जब किशन को लीव ग्रांट हुई तब वो छुट्टी मनाने दुबई गया। बीसीसीआई इस बात से काफी नाखुश थी क्योंकि देखा जाए तो किशन बेसिकली झूठ बोला, राइट? किशन ने फैमिली टाइम का रीजन देके फ्रेंड्स का सेलिब्रेशन किया, वो भी दुबई में। इफ वी सी, ये चीजें ज्यादा मैटर नहीं करती कि किशन ब्रेक में कहां जाता है, क्या करता है, बट किशन ने बीसीसीआई को ये रीजन नहीं दिया ना, ये प्रॉब्लम हो गया। साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद किशन अपना सेलिब्रेशन फिनिश करके मस्त अफगानिस्तान T20 के लिए रेडी था, लेकिन सिलेक्टर्स ने उसे टीम में सिलेक्ट नहीं किया। इसके साथ साथ इंग्लैंड टेस्ट के लिए केएस भरत, केएल राहुल एंड आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ नोवेयर ध्रुव जुरेल का इंक्लूजन हुआ और किशन का नाम फिर से स्क्वाड में नहीं था। कोच द्रविड़ को जब भी किशन के डिसिप्लिन के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि एक्चुअल में किशन इज नॉट अवेलेबल फॉर सिलेक्शन एंड ही स्टिल ऑन अ ब्रेक। द्रविड़ ने यह भी बताया नाउ ही हैज टू मेक हिमसेल्फ अवेलेबल After playing domestic cricket, as किशन ने खुद से चांसेस गवाए, he has to perform in domestic circuit in order to play for India. I think ये ब्रेक किशन के लिए बहुत ही बड़ा ब्लो है। Already उसके T20 stats उसके कैलिबर को जस्टिस नहीं देते और विंडीज टूर से जयसवाल ने सारे अपॉर्चुनिटीज ग्रैप किए एंड ही इज टॉप रनर टू ओपन विद रोहित, पर से किल एंड गायकवाड़ जो ऑलरेडी ओपनिंग स्लॉट के लिए वेटिंग लिस्ट में। इफ किशन ने ब्रेक नहीं लिया होता तो मे बी ही कुड हैव बीन द फ्रंट रनर एज एन ओपनर। गायकवाड़ ऑलरेडी इंजर्ड है और गिल का बल्ला T20s में इतना खास चला नहीं है। अगर समझ लो रोहित एंड गिल ओपनर्स होते तो 100% रिंकू सिंह वर्ल्ड कप प्लेइंग 11 में होता। एज गिल, गायकवाड़ एंड जयसवाल आर स्पेशलिस्ट ओपनर्स और जब वर्ल्ड कप के लिए सूर्य और हार्दिक टीम में आएंगे वी माइट नीड टू ड्रॉप रिंकू क्योंकि मिडल ऑर्डर में एक जबरदस्ती कीपर घुसाना होगा। इस सिचुएशन में इफ रोहित के साथ साथ किशन फ्रंटलाइन ओपनर और कीपर भी होता तो वी कुड हैव प्लेड रिंकू एज अ फिनिशर, बट अनफॉर्चुनेटली This is not the scenario. It will be interesting to see T20 World Cup के लिए इंडिया कौन से कॉम्बिनेशन के साथ जाएगी। हमेशा की तरह we have selection problems, हमेशा की तरह we have problems of plenty और हमेशा की तरह World Cup में होगी एक surprise entry. T20 World Cup के grand rehearsals IPL में होंगे and सारे players के लिए IPL बहुत ही ज्यादा important होगा क्योंकि IPL के first half में ही हमें पता चल जाएगा कि किसे मिलेगा US का वीजा और किसे मिलेगा TV का रिमोट। आप हमें कमेंट्स करके बताइए कि T20 World Cup के लिए इंडिया कौन से कॉम्बिनेशन के साथ जाएगी। क्या रिंकू खेलेगा, क्या किशन ओपनिंग करेगा कि हमेशा की तरह KL एंट्री करेगा। तब तक के लिए चीयर्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।